खबर शिवपुरी से। यहां पर विद्युत वितरण कंपनी के महाप्रबंधक और एई जेएम श्रीवास्तव के द्वारा शहर में विद्युत चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें हर वार्ड में जाकर विद्युत चेकिंग की गई। इसमें 25 लोगों के विद्युत चोरी के प्रकरण भी पंजीयन किए गए। एई श्रीवास्तव ने बताया कि चेकिंग अभियान से हमारा हर कॉलोनी हर घर घर में विद्युत चोरी रोकने का प्रयास किया जाएगा, यह अभियान लगातार जारी रहेगा। वहीं जेएम श्रीवास्तव ने बताया कि अगर कोई भी विद्युत उपभोक्ता इसका लाभ लेना चाहे तो लोक अदालत से पहले 30% छूट का लाभ ले सकता है। सर, जो आज चेकिंग अभियान चलाया गया है उसमें कितने प्रकरण आपने दर्ज किए और क्या प्रकरण हैं? इसमें श्रीमान महाप्रबंधक हालरा साहब के निर्देशन में ईस्ट जोन शिवपुरी के अंतर्गत 7 टीमों का गठन किया गया, जिसमें मास चेकिंग प्रोग्राम चेकिंग की गई और उसमें जो है 25 प्रकरण जो है पंजीबद्ध किए गए और उन पर कार्रवाई जारी है। यदि वो कौन कौन से वार्ड में सर प्रकरण कर दीजिए, ये तो पूर्व क्षेत्र के अंतर्गत जितने भी जैसे न्यू ब्लॉक है जी, आपके भारतीय विद्यालय के आसपास का क्षेत्र है, बछौरा है, क्या बोलते हैं पीएस होटल के आसपास का क्षेत्र है जी, इसी सभी जगह पोस्ट कॉलोनियों में चेकिंग अभियान चालू किया गया, जिसमें 25 प्रकरण पंजीबद्ध किए गए। और यदि उपभोक्ता इसका लाभ लेना चाहता है तो लोक अदालत से पहले 30% छूट राशि का लाब लेकर के चलाना था। कब तक चलाया जाएगा सर आपको चेक? ये प्रतिमाह कम से कम 4 बार चेकिंग की जाती है जी। और रूटीन पे में कंटिन्यू चलती रहती है, अधिकारी लोकल अधिकारी करते रहते हैं जी। तो ये प्रोग्राम तो जो है गर्मियों पर चालू रहेगा।